साथियों नमस्कार साथियों प्रकृति के साथ आनंद से रहिए और सुरक्षित रहिए सामने आज आप जो देख रहे हैं ये कनेर की बहुत ही सुंदर वैरायटी है येलो एकदम येलो तो एक वो पुराने वाली आती है उसमें खैर उसमें सुगंध होती है इसमें सुगंध तो नहीं है लेकिन सुंदरता बहुत है ये सामने देखिए आप ये कनेर है ये अब मॉडर्न मतलब आजकल नई प्रजातियां आ गई हैं कनेर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है बहुत दस बारह रंग अब इसमें आने लगे हैं और इसको लगाना बहुत ही आसान है बहुत एक बार आप लगा दीजिए समझ लीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए लग गया बस थोड़ी सी सावधानी ये रखिए कि इसकी मिट्टी में पानी ज़्यादा ना हो पाए और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे तो आप ये समझिए कि ये धूप गर्मी अच्छा सहन करने की यह क्षमता रखता है और हमेशा आपको फूल मिलते रहेंगे फिलहाल छः सात महीने मार्च से लेके और सितंबर तक आ, जब तक सर्दियों का वातावरण ठीक बना रहता है सर्दियां पूरी तरह से नहीं आती हैं तब तक फूल आपको प्राप्त होते रहते हैं इसमें और जब सर्दियां आती हैं तो ये डोमोसाइल उसमें चला जाता है सर्दियों में सुस्त हो जाता है और इसकी पत्तियाँ वगैरह भी गिर जाती हैं इसकी सुंदरता भी ख़त्म हो जाती है फिर फरवरी मार्च से फिर इसमें पत्तियाँ और कलियाँ जो है और फूल आने लगते हैं देखिए बहुत ही सुंदर हरे हरे पत्ते हैं इसके और कभी कभी इसमें कीड़े भी लगते हैं और कीड़े इसकी पत्तियों को और फूलों को खाते हैं उसके लिए भाई थोड़ा आपको कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा विशेषकर बरसात में और दिवाली के आसपास कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं इसमें तो आप नीम ऑयल वगैरह जो है करिए एक और जो विशेष बात है कनेर में कोई सी कनेर का प्रजाति आप लगाइए तो उसको भाई लगाइए किनारे की तरफ बीचों बीच कभी मत इसको लगाइए क्योंकि ये बहुत ही जहरीला पौधा है इसका हर चीज़ इसकी जहरीली है पत्ती इसीलिए इसको जानवर नहीं खाते हैं तभी ये मिडवे वगैरह में सड़कों के किनारे भी अपना अस्तित्व बना लेता है क्योंकि इसके इसको जानवर नहीं खाते हैं क्योंकि ये जहरीला बहुत है इसलिए इसको सावधानी रखिए जब भी इसकी कटिंग कटिंग करिए क्योंकि इसकी प्रोनिंग करना पड़ती है जैसे फूल जब इसके ख़त्म मतलब फूल जैसे अभी खत्म हो जाएंगे तो इसको फिर आपको काटना पड़ेगा ऊपर से जब जितनी अच्छी प्रूनिंग आप करेंगे उतने ही अच्छे नेक्स्ट जब इसका फूलों का सीजन आएगा तो और अच्छे फूल आएंगे ये इसकी खूबी है लेकिन उसमें सावधानी रखिए इवन ग्लव्स सिलब्स का भी उपयोग कर लीजिए तो कोई अच्छी बात है मतलब सावधानी बहुत ज़रूरी है इसको काटने में विशेषकर इसका, इसका दूध उध जब काटते हैं तो वो आँख आँख में अगर भी चला जाए या जीभ में लग जाए तो काफ़ी परेशानी फिर हो सकती है शारीरिक इसलिए इसको सावधानी रखिए और सुंदरता और प्रकृति के लिए इसको बिल्कुल अपनी बगिया में जगह दीजिए जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ इसको लगाइए और ये बहुत ही दूर से सुंदरता और प्रकृति का निराला वो है पौधा इसको बिल्कुल जगह दीजिए देखिए हमारे इधर कितना सुंदर है और बहुत अच्छा खिलता है रोज़ फूल दे रहा है ये और जो भी पूजा ही काम आते हैं कनेर के और कनेर के पूजा के लिए बहुत आवश्यक हैं तो इस तरह इसको अपनी बगिया में जगह दीजिए और सर्दियों में इसमें पानी कम से कम डालिए और छाया वाली जगह में मत रखिए इसको धूप आवश्यक है धूप इसको पसंद है धूप में जब ये रखा जाता है तो इसके फूल भी अच्छे आते हैं और इसके पत्तियों का रंग भी अच्छा होता है और तो जैसे बारिश है तो बारिश में ऐसी जगह न रखें जहाँ पानी लगातार इसके ऊपर गिरता रहे इसमें थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगी क्योंकि बारिश जहाँ अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली हुई तो समझ लीजिए इसकी जड़ों में गलाओ और फंगिसाइज इसमें चालू हो जाएगा बस ये सावधानी रखना है और तो समझ लीजिए इसको इंग्लिश में ओलियंटर के नाम से बुलाया जाता है और ये किसी भी ज़मीन में गमले में बड़ा गमला हो तो और भी अच्छा है छोटे गमले में भी लग जाएगा चाहे प्लास्टिक का गमला हो या मिट्टी वाला हो ये हर उसमें बड़े आराम से लग जाता है ये एक इसकी खूबी है और बहुवर्षीय है एक बार लग गया कई सालों चलेगा बस थोड़ा इसका रख रखाव करते रहिए महीने में दो महीने में इसकी गुड़ाई कर दीजिए मिट्टी इसकी थोड़ी में मॉइस्चर बना रहे हमेशा मिट्टी अगर सूख जाएगी तो फिर इसकी जड़ें इसकी बहुत पतली रेसे की तरह होती हैं उसमें थोड़ा सावधानी रखिए कि महीने में एक आध बार बुड़ाई कर दीजिए थोड़ा इसका डी या अन्य कोई पौष्टिक खाद डाल दीजिए और फिर हरा भरा बना रहेगा और बहुत अच्छे फूल देगा थैंक यू प्रकट से जुड़कर हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद